एटा के जिला अस्पताल में स्थित नेत्र ओपीडी में आजकल उथल पुथल मची हुई है। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट व नेत्र सर्जन के बीच विवाद चल रहा है। विवाद है ओपीडी में बैठने का। ऑप्टोमेट्रिस्ट पर आरोप है कि वह नेत्र सर्जन को मरीजों का इलाज करने के लिए ओपीडी में बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं। यह आरोप नेत्र सर्जन ने खुद लगाया है। नेत्र सर्जन ने ऑप्टोमेट्रिस्ट पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, कई मरीजों के आंखों के इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप ऑप्टोमेट्रिस्ट पर लगा है। इन सब बातों की जानकारी अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक को है, लेकिन वह भी मूक दर्शक बने हुए हैं। आखिर अस्पताल प्रशासन की चुप्पी का कारण क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आ सका है। वो किस पद पर हैं और कब से ये कार्यरत हैं? हाँ, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं सोहन लाल शर्मा, जिनका काम है डॉक्टर के जो निर्देश हैं उसके अनुसार काम करना, और अब वो स्वयं एक चिकित्सक की तरह काम कर रहे हैं। ओपीडी कक्ष संख्या एक, जो कि नेत्र विभाग का जो मुख्य ओपीडी है, उस पर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। सर, इससे तो मरीजों की जान को भी खिलवाड़ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में ये लगभग 2 महीने ये नहीं थे यहाँ पर, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके देखे गए मरीजों को जब मैंने देखा तो कईयों की तो उन्होंने आँखें खराब कर दी, क्योंकि किस मरीज़ को क्या दवा देना है ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, उन्हें नहीं पता। तो सिर्फ ये है कि कमीशन के चक्कर में बाहर की दवाइयाँ लिखना और उससे कमीशन हासिल करना, यही मकसद है। और इसकी शिकायत भी मैंने लिखित तौर पे साक्षियों के साथ अपने जो उच्च अधिकारियों को दी, उससे अवगत कराया। और इस अतिक्रमण के बारे में ये भी बताऊँ आपको कि ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब अवगत हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, इनको किन का संरक्षण प्राप्त? अब देखिए, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं कि संरक्षण किसका प्राप्त है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने मेरे साथ जानलेवा मेरे ऊपर हमला किया अभी जो जुलाई में, और जिसकी कि एक FIR दर्ज है, और FIR होने के बाद उसकी इंक्वायरी हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई इनके खिलाफ। और जब इस बारे में जिला अस्पताल के CMS से बात की गई, जिसके बाद डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो कि जिला अस्पताल के CMS हैं, उन्होंने बताया कि सोहन लाल शर्मा तथा नेत्र चिकित्सक के बीच कुछ विवाद चल रहा है। विवाद ना हो इसके लिए नेत्र चिकित्सक के लिए अलग OPD की व्यवस्था कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर ऑप्टोमेट्रिस्ट सोहन लाल शर्मा मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए एटा से मोहसिन रशीद की रिपोर्ट।